नमस्कार, मैं हूं टीपी सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया बोल। हम यहां खड़े हैं कलकत्ता पिंजरा पुल सोसाइटी के गौशाला में। हजारीबाग का जो गौशाला है, इसकी टीम को, जो कार्यकारिणी कमेटी थी, उसको हजारीबाग के उपायुक्त ने इसको भंग कर दिया है। कहा है कि यहां गायें मर रही हैं और यहां जो है, जो कार्यकारिणी है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है। गायों को मरने का कारण बताते हुए और उनको, कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। आपको बता दें कि सबसे पहले बता दें कि यहाँ जो गौशाला है, इस गौशाला प्रबंधन कमेटी में अध्यक्ष, यहाँ के पदेन अध्यक्ष होते हैं SDO। यहाँ पर हर दिन डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर जांच करने के लिए आते हैं। मृत्यु का प्रमाण पत्र भी गायों को वही देते हैं। गायों को बचाना और जिंदा रखना अब किसके जिम्मे है, आप बता सकते हैं? क्या सचिव के जिम्मे है? सचिव के, जो अध्यक्ष होते हैं SDO, उन्होंने कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया और उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और सरकारी पदाधिकारियों को यहाँ का अभी कार्यकारिणी जो तदर्थ कमेटी बनी है उसमें बना दिया गया है। क्या सरकारी जो कर्मचारी और बाबू हैं, जो सरकारी पदाधिकारी हैं, वह गायों को बचा पाएंगे? हजारीबाग में पहले भी एक गौशाला हुआ करता था, जो गौशाला एशिया का सबसे बड़ा गौशाला था, लेकिन उस गौशाला को सरकारी पदाधिकारी और प्रशासनिक लोगों ने नहीं चला पाने के कारण उसको बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दे दिया गया। तो क्या यह गौशाला चल सकेगा? अगर यह तदर्थ कमेटी ही काम करती रही तो एक दिन गौशाला बंद हो जाएगा, क्योंकि यह दान के पैसे से चलता है, भीख मांग कर चलता है, कलकत्ता के पैसे से चलता है, कोई प्रशासनिक पैसे से नहीं चलता है। लिहाजा आप सोचें, आप समझें और आम लोगों को भी यह सोचना पड़ेगा कि बात क्या है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। अरे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। यहाँ जो पिंजरा पुल का गौशाला है, यहाँ पर प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस जो पकड़ कर गायें आती है, वो यहाँ भेज दिया जाता है। तो यहाँ भेज दिए जाने के बाद उन गायों का क्या हश्र होता है, क्योंकि जो प्रशासनिक होता है या सरकार की तरफ से जो पैसा आता है, 6 महीने साल भर में एक बार पैसा आता है, तो क्या गायों को भूखा रखा जाएगा? लेकिन ये लोग भूखा नहीं रखते हैं। उन्हीं गायों में गाय सबसे ज़्यादा गायें मरी हैं। जो गाय एक मारुति कार में, अगर दो गाय, मारुति 800 वह भी, उसमें दो गायों को लाया जाए, वैसे गाय भी आए हैं जो मारुति 800 में दो गायों को ठूस कर रखा गया, उनको निकाल कर लाया जाएगा तो वो जिंदा बचेंगी या मरेंगी? एक ट्रक में 60-60 गायें आती हैं, उनको वहीं पुलिस के पदाधिकारी लोग उतारते हैं, उसी समय आधे गायें मर जाती हैं, तो क्या उनको रखा जाएगा तो उनसे गायें मरेंगी नहीं? जो गौशाला की गायें मरी हैं, एक साल में मात्र 15-20 गायें मरी हैं। बाकी जो गायें मरी हैं, वो या तो लोग जिनके घर में बूढ़ी गायें हो जाती हैं, जो ओल्ड एज भेजने की जगह में यहाँ भेज देते हैं, तो उन गायों को सेवा किया जाता है, तो वो उनको मरने के लिए ही भेजा जाता है। जो गाय दान करते हैं, जो गाय पहुंचाते हैं, उन गाय के मालिकों से पूछिए कि वह गाय कैसी गाय थी और वह गाय यह रहने के लिए लायक थी, जिंदा रहने लायक थी या मरने के लायक। गाय जो दान करते हैं, मालिक ही बताएंगे कि वो उन गायों को वृद्ध समझ कर ही भेजा गया था, ओल्ड एज होम है यह गौशाला। और वैसे में ऊपर से जो पुलिस के प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, वो भेज देते हैं पकड़ कर गायों को, तो वो गाय मरेंगी या जिंदा रहेंगी? लेकिन इसका श्रेय किसको जाता है? जब यहाँ के कमेटी के पदेन अध्यक्ष SDO हैं, जब सरकारी डॉक्टर यहाँ देखने के लिए आते हैं, तो बचाना उनके जिम्मे है, फिर कमेटी पर दोषारोपण क्यों? और कमेटी को भंग करने का मतलब क्या है? और चलाएगा कौन गौशाला? मतलब गौशाला के बीच में एक साजिश चल रही है।
इससे बेसिक क्या बचाएगा इन लोग, इतना मेहनत करने वाला आदमी को बदनाम करवा रहे हैं। यहाँ जिन सचिव महोदय को निकाल दिया गया कार्यकारिणी से, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास शिकायत की कि जो यहाँ इनको कुट्टी और चारा दिया जा रहा है वह महंगे दाम में खरीदा जा रहा है और घटिया किस्म का है, जबकि कुट्टी यहाँ 4 रुपए किलो खरीदा जा रहा है। और इसकी स्थिति क्या है, उनको अच्छा कहा जा सकता है यह बुरा, यह आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कुट्टी चारा सही है या गलत है। लेकिन उनकी शिकायत को ही अधिकारियों ने माना और उनकी शिकायत को ही सर्वोपरि मानते हुए और कार्यकारिणी को भंग किया, तो उनकी मनसा समझी जा सकती है, देखी जा सकती है और इस पर विचार किया जा सकता है। यह जो गौशाला है पिंजरापोल गौशाला, इसमें जैन और मारवाड़ी दो समुदायों का वर्चस्व की लड़ाई है और इस वर्चस्व की लड़ाई में प्रशासनिक पदाधिकारी रोटी सकते हैं। जाहिर है इसी वजह से कुछ न कुछ त्रुटियां होते रहती हैं। यहाँ जो सचिव बनाया गया उनकी नज़र यहाँ की जमीनों पर है, 1700 एकड़ जमीनों का मालिक है यह गौशाला, लिहाजा हजारीबाग के जो बड़े भूमि माफिया हैं, कौन है बड़े भूमि माफिया आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, जैसे बोलेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा। यहाँ पर एक स्प्लिटर सेल बनाकर भेजा गया ताकि वो कमेटी को पूरा हाईजैक कर सके और यहाँ की जमीन को बेचा जा सके, क्योंकि अकूत संपत्ति है इस गौशाला की, अकूत संपत्ति है यहाँ की। यहाँ का जो प्रशासनिक जो महकमे से जो गाय पकड़ कर आती है उसका पैसा जो साल भर 6 महीने में आते हैं, उस वह पैसा कुट्टी के लिए, चारा के लिए आता है, लेकिन उस सचिव ने 1 साल के भीतर 1 करोड़ का ठेका कर दिया। यहाँ ठेका खुद किया, अगर ठेका किसी से करवाता तो कोई बात होती, 1 करोड़ का ठेका कर दिया। और बाकी जो यहाँ की स्थिति है जमीनों के पीछे सबकी नज़र है, तो बताइए। और डीसी ने कमेटी यहाँ की भंग की है, अभी भी उनके पास फाइलें पड़ी हुई है जिसका रसीद कटना बाकी है। आखिर रसीद क्यों ना कटाते हैं, उस प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, गौशाला समाज का है, गौशाला देश का है, गौशाला राष्ट्र का है, तो फिर इस राष्ट्र की संपत्ति के साथ खिलवाड़ क्यों, वो उसका रसीद क्यों नहीं काटते हैं जो फाइल उनके टेबल पर पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं घालमेल है और इस घालमेल में इस गौशाला की संपत्ति को, इस गौशाला का जो धन है, जो गौशाला की जमीन है, उसके पीछे माफियाओं की नजर है और माफियाओं के साथ सब मिले हुए हैं। यहां देखिए नवजात बछड़ों को रखने के लिए, ताकि उनको गर्मी न लगे, गर्मी के दिनों में उनकी सेहत खराब ना हो, इसके लिए कैसा सहेज कर उनके ऊपर, छतों के ऊपर कैसे बिजली डालकर ठंडा रखा गया है। कितना सुंदर है यह गोकुल का जो धाम है, गौशाला है हजारीबाग का, इसकी खूबसूरती देखते बनती है। यहाँ पर आने वाले लोग देखते हैं कि यहाँ दवाओं की भी अच्छी खासी स्टॉक मौजूद है। हजारीबाग में शिकायत और सुझाव पंजी भी मौजूद है, जिस पर बड़े बड़े अधिकारियों, MLA, MP और DIG, IG सहित IPS अधिकारियों के हस्ताक्षर दर्ज हैं। यहाँ गौशाला को सहेजने के लिए, समेटने के लिए और मॉनिटर करने के लिए 14 कैमरे भी लगे हुए हैं, CCTV कैमरे, जो पूरे गौशाला की स्थिति को बताते हैं। यहाँ दवाओं की भी अच्छी खासी तादाद में उपलब्धता है, जिससे कि किसी भी गाय को कोई परेशानी हो तो तुरंत उनको दवा दी जा सके। देखिए जो डॉक्टर है, डॉक्टर की उपस्थिति पंजी है यहाँ पे, और वही गायों के जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र देते हैं। अब इन गायों को देखिए कि लाकर रखा जाएगा तो यह गायें बचेंगी या मरेंगी, आप फैसला कर सकते हैं। भंग कर दिया गया है, क्या कुछ है, फैक्ट फिगर क्या है? विगत 6 महीने में 134 गायें मरी, जिसमें 70 से 75 गाय जो है सेवा की गाय, जो बाहर हजारीबाग से बूढ़ी दूजी लंगड़ी एक्सीडेंटल आती हैं, वही गाय मरी है। और जो बाकी जो प्रशासन पकड़ कर जो पर, नहीं ये दान में आती है यहाँ पे कसाईयों से बचाने के लिए, गाय जो
आती है वो मरी है। वो किन्हीं के घर में रहता है जो बूढ़ी हो जाती है? जी वो देते हैं, उसको लाते हैं, वही मरी है। और दूसरी पकड़ी हुई गाय एक पर एक रख करके ट्रक में भर के जो लाते हैं लोग, तो प्रशासक देता है थाने वाले लोग, वो गायें वो मरी हैं। मेरी गौशाला की गायें 25 से 30 मरी हैं साल भर में, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो बाकी बातें हैं वो अफवाह है? हाँ, ये अफवाह है और सच्चाई जाने के, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति गौशाला आकर के पता कर सकते हैं, जो सच्चाई है वो वाजिब। अच्छा, पता चला कि यहाँ पे बहुत अंधी गायों को भी दान दिया, उसको भी बचा कर रखे हैं आप लोग? हाँ। दवा हुआ अच्छा रखे? अभी सदर थाना द्वारा पकड़ाई गाय 3 थी, जिसमें एक अंधी थी, उसको हम लोग सेवा करके उससे दूध निकाल रहे हैं, 1 से 2 किलो दूध दे रही है। आखिर समस्या कहाँ आ रहा, क्यों आखिर ऐसा बात सामने आया कि इतनी गाय मर गई है? मतलब बाजार में अफवाह फैलाई जा रही है और कुट्टी है, दाना है, चोकर है, सारा चीज़ का सब क्वालिटी अच्छी है, कोई शिकायत नहीं, सब चीज़ भरा। आप बता रहे थे कुट्टी कैसे लेते हैं? अभी कुट्टी अभी हम 4.5 रुपये केजी ले रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास की कुट्टी है। बाजार में क्या? बाजार में 6 रुपये दाम है। आप अपना परिचय देंगे? 1885 में स्थापित यह गौशाला काफी बड़ा है और इस राज्य में स्थापित गौशाला माना जाता है, लेकिन इस बार जो यहाँ के सचिव बनाए गए उन्होंने अधिकारियों की खातिरदारी में सब कुछ समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि यहाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उस व्हाट्सएप ग्रुप में कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के नाम नहीं है, बल्कि यह अधिकारियों की खातिरदारी में उनके आसपास रहने के लिए, उनसे काम निकलवाने के लिए, उनकी बातों को सहेजने के लिए, समेटने के लिए और उनके नज़दीक रहने के लिए बनाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि उनका मंतव्य और मनसा क्या है। आज भी खोदिएगा तो वहाँ मिट्टी का दीवार मिलेगा उसमें, हाँ देख रहे ना।